दोस्तों आज आपको मिलवाएंगे किंग ऑफ काइट स्टिकर्स। एक से बढ़कर एक स्टिकर्स बनाते हैं काइट के, ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम इनसे जुड़े हुए हैं। तो हम दिखाते हैं पूरा वीडियो। गुड आफ्टरनून गाइस, आज हमारा टूर बना, मतलब ट्रिप था दिल्ली का, और दिल्ली में जो ट्रिप था हमारा हम आपको पूरा बताएंगे, मिलवाएंगे, पर पहले उसे दिखाते हैं आपको एक बहुत ही अच्छे डिग्री जो हमारे जिनके पास हम आए हैं, उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में डिग्री ली हुई है, तो कहते हैं कि डिजाइनिंग के अंदर उनका बहुत एक्सपर्टाइज है। और जो ये रिक्वेस्ट आई थी, वो रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि स्टिकर्स, मतलब ऐसे कुछ वीडियो गए जिसमें हमको, जहाँ से हम स्टिकर्स ऑर्डर कर सके, जेन्युइन हो, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी करते हो, तो उसके बारे में। तो हम चलते हैं हम अपने उस्ताद जी के पास जो बहुत पुराना काम कर रहे हैं, खुद भी शौकीन है, बहुत पुराने क्लब वीनस से उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, और साथ में हमारे आए हैं हमारे द्वारका के बहुत ही चैंपियन प्लेयर विनोद भाई। कैसे विनोद भाई आप? उस्ताद जी कैसे हैं आप? बढ़िया। उस्ताद जी आपका नाम? कफील। आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं उस्ताद जी? टाइम तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल काम हो गए। स्टिकर का बाकी मैंने अभी 3-4 साल से शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये देखा था डिग्री लगी हुई है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो ये आपने मतलब उसमें डिजाइनिंग में करा था? डिजाइनिंग में करा था, जब हाथ से डिजाइनिंग होती थी उस टाइम, कंप्यूटर पे तो अभी 20 साल से ज्यादा है, उससे पहले क्या बात है। तो मतलब आपने अभी स्टार्टिंग में आपके हाथों का डिजाइन चलता था, अब आप कंप्यूटर से करना, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अब देखा जाए। और साथ में जो आपका मतलब आपका मेन काम है आपका, मैंने देखा प्रिंटिंग प्रेस टाइप आपका देखा, प्रिंटिंग टाइप का है, यही नहीं हर तरह का डिजाइन बना रहे थे, बॉक्सेस का, बुक कवर्स का, मैं दिखाऊंगा अभी सर आपको, और भी हर तरह के डिजाइन मेरे पास बन जाएंगे। बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ना चलता हूँ, देखिए इनके वर्क स्टेशन के ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे ये पतंगों के स्टिकर्स बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन के। एक सेकंड मैं आपको पूरा फोकस करके दिखाता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाए। ये सब हमारे उस्ताद जी ने यहाँ पे देखिए उस्ताद फतर के नाम से डिजाइन बना हुआ है, काफी मतलब क्लब्स के जो यहाँ पे स्टिकर्स हैं, इवन क्लब के कार्ड भी बन जाते हैं मेरे ख्याल से, राइट सर? कार्ड भी बन जाएंगे। देखिए पूरा, देखिए आलम मेट्रो, बहुत अच्छे जावेद ठाकुर। अगर आपको अपने नाम का बनाना है, अपने क्लब के नाम का बनवाना है, आपको स्टिकर्स चाहिए, आपको कार्ड जो टिकट्स होती है वो चाहिए, वो सब और जो भी डिजाइन आप देंगे, और कुछ डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इनसे भी आप कॉपी कर सकते हैं कि भैया हमको ऐसे डिजाइन चाहिए, देखिए पतंगों के शेप के विद फोटो भी आप देखिए यहाँ पे है, बहुत उमदा उमदा देखिए यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे विद फोटोज के साथ रखे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए पूरा फोटो है यहाँ पे डाल रखी है। तो ये सब आप कवर कर सकते हैं, आप इनको मतलब रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, और जो भी प्राइसिंग एंड ऑल होगा वो भैया आपको बताएंगे। तो चलते हैं भैया के पास, हम भैया से करते हैं उनका इंटरव्यू और पूछते हैं कि कैसे कैसे वो करते हैं, कैसे कैसे डिजाइनिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से भैया ने बताया कि आपका काम 20 से 25 साल पुराना काम है आपका, और ये स्टीकर का काम करते कितना टाइम हो गया आपका? स्टीकर का 3-4 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों के लिए बना देता था जब क्लब से, तो मैं इतना बाहर सप्लाई नहीं करता था। अच्छा दादा, आप बता रहे थे कि आप बहुत पुराने मतलब खेल मतलब उड़ाते भी आए, तो कब से उड़ा रहे, कब से काइट फ्लाइंग कर रहे हैं? मैं करीब 90 से आप पतंग उड़ा रहे हो। सबसे पहला क्लब कौन सा था आपका? वीनस से कर रहे हैं। इंडियन में लड़ाई, अब पैरागन उड़ा रहा हूं। पैरागन उड़ा रहे हैं। तो अगर आप बात करें तो कोई ऑल इंडिया कुछ आपने चैंपियन कोई आपने कम्पीट किया? ऑल इंडिया भी किया, दिल्ली में भी किया, मेरा नाम है काफी, क्या जब पुराने सभी जानते हैं मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल इंडिया में भी लड़ाया है मैंने, वो ईयर में भूल गया, 1988 के करीब था, निरंकारी पे हुआ था ऑल इंडिया, उसमें ऑल इंडिया भी लड़ाया मैंने। क्या बात है। और यहाँ रामलीला ग्राउंड में भी हुए हैं, उसमें डेली लोकल टूर्नामेंट्स काफी लड़ाए हैं। बहुत। तो देखा आपने कि हमारे जो उस्ताद जी स्टिकर बनाते हैं, ना खाली स्टिकर बनाते हैं, खुद भी एक अच्छे प्लेयर है, काफी पुराने से उड़ा रहे हैं। कोई आपके टाइम के अच्छे उस्ताद जिनके साथ आपने उड़ाई हो, जो आपको रहते हो, जो आपके कुछ शागिर्द कुछ उनके नाम जो आज उड़ा रहे हो? अभी तो बादशाह भाई है जो है मेन, बादशाह भाई ने मेरे साथ बहुत लड़ाया है, उससे पहले औसाफ अली थे वो मेरे चले गए, उनके साथ ही मैं लड़ाता था। क्या वो हमारे बड़े से औसाफ अली, और भी बहुत कुछ है, अभी नहीं है कुछ, रामलीला ग्राउंड के जितने भी गर्ल्स हैं सब जानते हैं मेरे को। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। बाकी भैया का जो एड्रेस है, कभी आना हो तो कैसे यहाँ पे आना होगा? यहाँ मेन रोड दरियागंज से आ सकते हैं, और जो जैसे आप आए यहाँ स्टेशन डेलीगेट मेट्रो स्टेशन से, आप 3 नंबर गेट से निकल कर, और जहाँ भाई रईस की दुकान है उसको क्रॉस करते हुए किराए से आके, और आप उस साइड से भी आ सकते हैं, या फिर मोतीमहल रेस्टोरेंट है उस साइड से गली में आ सकते हैं, या गोलचा सिनेमा की बैक साइड में मेरी शॉप है, और बाकी मैं ज़्यादातर ऑपरेट यहीं से करता हूँ घर से, और मेरा बेटा ही होता है शॉप पर, लेकिन किसी कस्टमर को आना होता है, आपका इलाहाबाद से भी कस्टमर आए हैं, कोलकाता से भी आए हैं मेरे पास, और
लखनऊ से भी ऑल इंडिया जाता है आपका, बिल्कुल डिलीवरी देते हैं पूरे इंडिया, मतलब यहाँ पर जो आते हैं तो वो वहाँ से भी आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर दिल्ली में आ जाते हैं तो वो मेरी शॉप पर आ जाते हैं और डायरेक्ट मेरे फिर यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी कोरियर तो आप कर ही देते हैं, कोरियर तो बाकी सब जगह बिल्कुल। तो कुछ डिजाइन दिखाई जो अभी आपने मेजर बनाया, जो काफी फेमस डिजाइन आपके रहते हैं, जो डिमांड में ज्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे डिजाइन दिखाई आपके लिए खोल लेता हूँ जिसमें आपको सब भी मिल जाएगा। हर स्टेज के मैंने अलग अलग वो बना रखे हैं, तो कुछ डिजाइन आपको दिखा रहे हैं। और प्राइस वाइज भी हम भैया से पूछ रहे हैं क्या रहेगा, कैसे उनका डिलीवरी का रहेगा, किस चीज पे कैसे आता है। अब देखिए कितने ये अच्छे डिजाइन आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लब्स के नाम लिखे हुए हैं, प्लेयर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, इवन जैसे देख रहा हूँ फोटोज भी डाल रखी है आपने, मतलब कोई फोटो भेजेगा तो फोटो के फोटो भी बना देंगे। बिल्कुल, इसलिए कोलकाता वाली ही फाइल है, कोलकाता के बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मिनिमम जो स्पीकर की लेंथ होती है, तो छोटा स्पीकर कितने कैसा रहता है और बड़ा स्पीकर कितने तक आता है मैक्सिमम जो बनता है? एक इंच से लेकर 3 इंच तक भी बन जाएगा स्पीकर, साइज पे प्राइस पे उस पे डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जैसे अब अगर हम बात करें तो ये कितने इंच वाला स्पीकर था, अगर ये वाले बात 2x2 तो मैक्सिमम किसके कितने इंच की डिमांड आती है आपके पास? मैक्सिमम 2x2 की ज्यादा आती है और 1.5 की भी आती है, वो बड़ा है जो ये वाला देखिए, ये 3x3 का है, तो इससे ऊपर मेरे ख्याल से बड़ा बनता नहीं होगा शायद, जैसे बड़ा बनाते बन जाएगा लेकिन वो पतंग फिर हैवी कर देगा। बिल्कुल, तो एग्जैक्ट मतलब आपके हिसाब से जो बेस्ट डिजाइन, मतलब जो बेस्ट 2x2 का रहता है, ये अभी ऑल इंडिया लखनऊ में जो हुआ था उसके लिए ये वाला, ये वाला देखिए, देखिए लखनऊ ऑल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बनाया था भैया ने। तो आप कह रहे कि जो ये 2x2 का सबसे बेस्ट है, और कितनी वर्डिंग आ जाती है इसमें? ये राउंड भी है 2x2 का, यही राउंड है, ये 1.75 का राउंड है, वो 1.5 का राउंड है। तो एक स्पीकर में कितनी वर्डिंग आ जाती है आपके हिसाब से, जो मतलब मैक्सिमम कितना दिखा जाता है, कितने वर्ड्स के मैक्सिमम? आप देख सकते हैं किसी में कम मैटर पे डिपेंड करता है, जितना मैटर है अगर आ जाता है स्टिक, तो सिर्फ स्टार में कम आता है क्योंकि उसमें स्पेस कम होती है, कम होता है, तो स्टार में कम आता है मैटर, स्क्वायर में सबसे ज्यादा आ जाता है, देखिए यहाँ पे ही जाता है और राउंड में भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक जो एक बेस्ट साइज रहता है 2x2 का रहता है, और उसमें कितनी वर्डिंग है 2x2 में आपके हिसाब से, जो एक अच्छी फिनिशिंग वाली वर्डिंग कितनी आ जाती है? फिनिशिंग वाले डिपेंड करता है कितनी वर्ड है, क्लब का नाम आ जाएगा, प्लेयर का नाम आ जाएगा, उसकी सिटी आ जाएगी, फोन नंबर आ जाएगा, वो सब आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो भैया कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे कि क्या प्राइसिंग रह जाती है? प्राइसिंग से तो 500 से भी स्टार्ट है, 1000 के 600 भी है, 700 भी है, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, थोड़ी फिल्म भी अलग अलग होती है इसमें, कुछ है जो आपको अगर देखेगी तो रेनबो फाइल्स है, तो अगर आपके पास कोई बाहर से ऑर्डर करता है तो उसको मिनिमम कितने का ऑर्डर देना होगा आपको? मिनिमम 1000 पीस। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज किया, मतलब आपने क्या डिजाइन चूज किया है, और उसके ऊपर मतलब मिनिमम, अगर मिनिमम मैं 1000 में बनवाता हूँ तो मुझे 1000 रुपए तक के मिनिमम साइज, साइज पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बनवा रहे हैं, 1.5 इंच का बनवाएंगे तो 500 रुपए रेट है, 600 रुपए भी है रेट और 700 रुपए भी है, वो जितना बड़ा होता जाएगा साइज वो यार रेट बढ़ते जाएंगे, और शेप पे भी डिपेंड करता है, और क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएगा, तो डिपेंड करता है, आपने 3-4 हजार पीस मंगवा ली तो उसमें शायद प्राइस का डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ गुड थिंग। और आपने बताया कि आप ऑल इंडिया डिलीवरी दे रहे हो, इस टाइम पे जो मेन चल रहा है वो जैसे आपने बताया कि ये रेनबो वाला, जिसमें मतलब थोड़ा सा शाइनिंग आती है, राइट? रेनबो वाला, राइट। बाकी डिजाइन कुछ आप भी देते हैं, कुछ आपको हम देते, आप डिजाइन कर देंगे जैसे कुछ डिजाइन? कोई दिक्कत नहीं, बहुत से कस्टमर मेरे को अपने डिजाइन देते हैं कि मुझे कोई ये चाहिए, ये आपको मैं उसे अकॉर्डिंग कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं देखूंगी यहाँ बहुत प्यारे डिजाइन है, पूरे नाम के हिसाब से लिखे हुए हैं, ये सब कोलकाता के भैया बता रहे हो। देखिए इतना आप अपनी फोटो भी लगवा सकते हैं, अगर आपको खाली क्लब का नहीं, खाली अपना ही बनाना है तो आप उसमें अपनी फोटो भी लगवा सकते हैं, मतलब जैसे कहते हैं कि नेम के अलावा फोटो वाला भी आ जाएगा, देखिए JD का क्लब, तो इसके अंदर आप अपनी फोटो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए भैया को, आपको बस खाली जो भैया को रिक्वायरमेंट देनी होगी और भैया आपको वो करके देंगे। देखिए यहाँ पे फोटो भी डली हुई है भैया प्लेयर्स की, तो ये सब अपने अपने डिपेंड करता है कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा भैया एक चीज होती है कि काफी रहता है कि स्पीकर के अंदर कि नेम का स्पेलिंग बिल्कुल सही भेजा करे, राइट? कई बार मैं पहले व्हाट्सएप मेरा साथ खुला रहता है, मैं व्हाट्सएप कस्टमर से ओके कराता हूँ, उसके बाद ही
आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भैया का वर्क प्लेस और भैया ने बहुत सारे डिजाइन दिखाए हमको यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल देखिए अपने नाम के साथ फोटो भेजी हुई है, इनको सैंपल भेजते हैं फिर उसके बाद इनके अच्छा जब डन हो जाता है आगे इनके इतना बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल देखिए तो इस तरीके से काम होता है कि आप अपना पूरा जो भी आपको मैटर जो लिखना होता है वो आप बताएंगे, कुछ भैया भी सजेस्ट कर देते हैं कि इसमें ये चीज कर सकते हैं, उसके बाद एक बना के आपको भेजा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बना रखे हैं देखिए लालू भाई के नाम से ये कुछ, और उसके दिखाता हूँ वाशिफ भाई हमारे वाशिफ एम्पोरियम, क्या बात है। तो वाशिफ एम्पोरियम जो हमारे वाशिफ भाई है वो भी आपके पास से ही आता है, क्या बात है। ये देखिए देखिए बहुत प्यारा बहुत अच्छा डिजाइन बना था वाशिफ भाई ने, देखिए कितने अच्छे थे वाशिफ काइट एम्पोरियम, वाशिफ काइट एम्पोरियम और ये वाला बिल्कुल बहुत जबरदस्त डिजाइन, बहुत जबरदस्त है। तो ये सब डिजाइन के अलग अलग प्राइस है, उसके लेबल भी बनाया था मैंने अभी, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे भैया दिखा रहे हैं और काफी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो मतलब है लोग यहाँ पे इसको कवर अप करते हैं, भैया के पास आते हैं ऑल इंडिया में इनका मतलब इंडिया से बाहर भी जाता है डिलीवरी, आप इनको एक मिनिमम ऑर्डर आपको 1000 पीस का देना ही पड़ेगा और साइज के ऊपर प्राइस आएगा, देखिए कितने अच्छी देखिए ये देखिए बहुत ही जबरदस्त। तो भैया का वर्क स्टेशन है, भैया ने कुछ पीसेस दिखाए हैं यहाँ पे जो हम इसको बिल्कुल आपको कवर कर रहे हैं। भैया इसके अलावा क्या क्या इश्यूज रहते हैं मतलब एक्सट्रिका बनाने में कोई दिक्कत भी आती है कई बार कि नाम वाम जब बाद में निकलने के बाद लोगों को पसंद ना आए तो क्या रहता है उसके अंदर कुछ एक्सचेंज होते हैं? कई बार कस्टमर बहुत परेशान भी करते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं ये करो ये नहीं ये करो, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि गायब हो जाते हैं सब कुछ बनवा देना। अच्छा ऑर्डर देके गायब हो जाते हैं? हाँ। तो एडवांस लेते हैं जब आप ऑर्डर? हाँ, एडवांस उनको देना आप मैं लेता ही हूँ एडवांस, कुछ अगर भरोसा करके कुछ लोगों का बना भी दिया तो कुछ ऐसे स्टिकर भी देख रहे होंगे आपके पड़े हुए मेरे पास और कुछ कलेक्ट करे नहीं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए यार आप ये बहुत पुराने बन है यहाँ पे, बहुत पुराना काम है, बहुत पुराने पतंग उड़ाने वाले भी हैं, काफी टूर्नामेंट खेल चुके हैं और ये कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो रखे हुए हैं सामने क्लब कार्ड से, ये क्लब कार्ड। अच्छा ये क्लब कार्ड जो अपने टिकट जिसे बोलते हैं नंबर लिखे जाते हैं, देखिए ये क्लब कार्ड भी आप बना सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा वो करता हूँ फोकस, तो इस तरीके से आप क्लब कार्ड भी बनवा सकते हैं। एक भैया पकड़ने में भैया जैसे आप देखिए ये चिल्ड्रन का क्लब हो गया, उसके क्लब के नाम लिखे हैं प्लेयर्स के तो बहुत ही उम्दा, पीछे नंबर वंबर और ये हमारे स्टिकर्स हो गए, ये देखिए रेनबो फाइल के ऊपर कितना शाइनिंग मार रहा है ये और बहुत ही प्यारा है ये बहुत अल्टीमेट। कुछ क्लब काइट्स के और डिजाइन दिखाएंगे आप भैया कुछ यहाँ पे है आपके पास? बिल्कुल चलिए। तो दोस्तों देखिए ये कुछ क्लब कार्ड है, देखो बिल्कुल ऐसे एटीएम कार्ड जैसे ना बिल्कुल वैसे बने हुए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए मेरठ जीवन चैंपियन काइट क्लब काफी देखिए यहाँ पे अलग अलग है, एक भैया थोड़ा स्लो में जैसे देखिए एक्सीलेंट काइट क्लब हो गया, तो पूरा कितने बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। तो आपको भी ये डिजाइन अवेलेबल हो सकते हैं, आपको बस भैया को फोन करना है और भैया आपको पूरा आप सैंपल्स भेज देंगे तो उनमें से कोई चूज करके आपको देगा तो उसमें चेंजेस कर देंगे, राइट नाम वाम का जैसे हो गया। बिल्कुल देखिए क्लब कार्ड के नाम से बहुत अल्टीमेट। तो भैया का जो हमारा काम पुरानी दिल्ली में भैया का काम है और बहुत पुराना काम है और खुद भी बहुत पुराने प्लेयर हैं भैया। अरे काफी भाई का छोटा सा पतंगों का कलेक्शन भी दिखा रहे हैं जिसमें काफी अच्छी अच्छी पतंगे और डिजाइन रखे हुए हैं देखिए यहाँ पे, और ये कुछ एक स्टिकर्स बना रखे हैं, ये हमारे मुरादाबाद की पतंगे हैं देखिए, ये देखिए स्टिकर्स आपके सामने यहाँ पे स्कॉर्पियन काइट क्लब यहाँ पे लगाया हुआ है। और कुछ और डिजाइन दिखाते हैं यहाँ पे, कुछ अच्छी पतंगे दिखा रहे थे आप, एक और दिखाते हैं मुझे कुछ नाजिम की पतंगे थी यहाँ पे, नाजिम की पतंग दिखाई है यहाँ पे, ये नाजिम की पतंग है देखिए आप, और ये हमारे जो काशी भाई है उनका उनकी कलेक्शन है, थोड़ा सा हम दिखा रहे कैसे वो पतंग, वो भी पतंगबाजी करते हैं शौक करते हैं। ये राजा की राजा ये अपने मुरादा ये चाहिए तो राजा वो है उसे राजा उसका वसीम की पतंग है देखिए, ये सब पूरा स्टिकर्स रखा हुआ पुरानी ओल्ड एंड गोल्ड, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पेशल भेजी थी मेरे को जवाब ने मुरादाबाद से, बिल्कुल कलेक्शन में से बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए जैसे बताए खाली स्टिकर्स नहीं बनाते, खुद भी पतंगबाजी करते हैं, खुद भी काइट फ्लाइंग करते हैं और बहुत पुराना मतलब क्लब है इनका। ये देखिए कुछ आसिम की पतंगे देखिए आसिम, बहुत ही अल्टीमेट ये सब देखिए कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं दादा के पास, इनका एक छोटा सा फोटो लेंगे और इनके साथ फिर आपको करेंगे एक नया वीडियो दिखाएंगे जो आपको होता है। और फिर से बताते हैं कि भैया ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं, मिनिमम पीसेस आपके 1000 पीसेस आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल।